क्या आपको भी हमेशा थकान महसूस होती है, या फिर आपका शरीर कमजोर हो गया है, या फिर अगर आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, जिसकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिशा और आप देख रहे हैं हर्बल 24। अगर हमारी बॉडी में सही अमाउंट में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स ना पहुंच पाएं, तो इससे आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और अगर लंबे समय तक आपकी बॉडी में खून की कमी है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे आपको आगे जाकर कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि खून की कमी होने के क्या क्या लक्षण हैं। नंबर 1, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना। नंबर 2, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और सांस लेने में दिक्कत होना। नंबर 3, गठिया, कैंसर और किडनी से संबंधित समस्याएं होना। नंबर 4, स्किन का पीला पड़ना, चेहरे और पैरों पर सूजन आना। नंबर 5, थकान और कमजोरी महसूस होना। नंबर 6, रेड ब्लड सेल्स टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी है। आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए शरीर में खून की कमी होना काफी आम हो गया है। खून की कमी की वजह से अनीमिया जैसी परेशानी हो सकती है और ज्यादा सीरियस कंडीशन में आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट भी बन सकते हैं और कम प्लेटलेट काउंट की दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने के लिए शरीर में लंबे समय तक खून की कमी होना खतरनाक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी बॉडी में खून की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं और आपको किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें आयरन और विटामिन भरपूर होता है, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्पिनच यानी कि पालक। पालक एक हरी पत्तीदार सब्जी है जो आयरन, फोलेट और विटामिन सी से भरपूर होता है। ये खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद आयरन रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जबकि विटामिन सी आयरन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसलिए स्पिनच को आप सलाद या स्मूदी की तरह इंटेक कर सकते हैं। नंबर 2, बीटरूट यानी कि चकुंदर। चकुंदर को खून बढ़ाने वाली मशीन भी कहा जाता है। ये आयरन, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसे आप सलाद की तरह खा सकते हैं या फिर इसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में खून की कमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। नंबर 3, पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अनार रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। ये बॉडी में खून बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप अनार का जूस पी सकते हैं। इसमें आयरन और विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो आप डेली अनार का जूस पिए या फिर अनार खा सकते हैं। नंबर 4, ड्राई फ्रूट्स यानी कि मेवा। बादाम, मूंगफली, पिस्ता और काजू आयरन, विटामिन और मिनरल और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना किसी न किसी तरह से इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहेगा और आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी। नंबर 5, एग यानी कि अंडा। अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी भी होता है। अंडा आयरन से भरपूर होता है, जो आपकी बॉडी में खून की कमी को दूर कर सकता है। इसलिए रोजाना एक अंडा जरूर खाएं। नंबर 6, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खून की कमी को दूर करने के लिए फ्रूट्स में आप कीवी, अमरूद, अंजीर, तरबूज, खजूर, अनार, एवोकेडो और किशमिश खा सकते हैं। और सब्जियों में आप पत्ता गोभी, ब्रोकली, बीन्स, शकरकंद, मशरूम, कद्दू के बीज और ज्यादातर हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। तो ये थे खून की कमी के कुछ लक्षण और कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं उसके उपाय। तो आप इन हेल्दी चीजों को जरूर इनटेक करें और हेल्दी रहें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हर्बल 24।